सावन के पवित्र महीने में सोमवती अमावस्या के पर्व पर बाबा भोलेनाथ के भक्तों का सैलाब श्री जटाशंकर धाम में उमड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि लगभग 3 लाख लोग शिव धाम पहुंचे और हर हर महादेव के जयकारों के साथ बाबा के दर्शन कर पूजन किया। सोमवती अमावस्या पर्व पर श्री जटाशंकर धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान करीब 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु श्री जटाशंकर धाम पहुंचे। श्रावण मास में अमावस्या पर्व सोमवार को पड़ने का ये संयोग लगभग 57 वर्ष बाद पड़ा है। रविवार से ही श्रद्धालु बहुत बड़ी तादाद में विभिन्न मार्गों से पदयात्रा करते हुए श्री जटाशंकर धाम पहुंचे। इस दौरान श्री जटाशंकर धाम में चारों ओर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आए। लोकन्यास श्री जटाशंकर धाम अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने बताया कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अमावस्या पर्व पर रात को भी खुला रहता है। अमावस्या पर्व पर यहाँ स्नान दर्शन को विशेष पुण्य फलदायी माना गया है। यहाँ 12 बजते ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचे और कुंडों में स्नान कर भगवान श्री जटाशंकर जी की पूजा अर्चना की। वहीं रात भर शिव धाम में ठहरे श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन और भक्ति नृत्य भी किया। इसके अलावा विभिन्न समाजों और संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर भंडारों का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि ज्यादा भीड़ के चलते न्यास को लोगों से स्नान दर्शन के बाद अपने घरों की ओर रवाना होने की अपील करनी पड़ी। वहीं भारी भीड़ होने के चलते लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा जाम भी लगा। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने भी शिवधाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और पुलिस अधिकारियों से बात कर धाम में अगले पर्वों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की बात कही। इस दौरान SDM, तहसीलदार, SDOP, विजावर, शागर, ईशान नगर, किशन नगर, थाना प्रभारी और पुलिस बल सहित न्यास पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री जटाशंकर धाम में सोमवती अमावस्या पर्व पर लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। श्री भक्तों के श्री जटाशंकर धाम आने का सिलसिला रविवार की शाम से शुरू हो गया था, जो सोमवार को देर रात तक निरंतर जारी रहा। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या पर्व पर श्री धाम में दर्शन दर्शन से विशेष लाभ मिलता है। मेरी जानकारी में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अमावस्या की पूरी रात खुला रहता है, भजन भी होता है। इसके पीछे मानता है कि अमावस्या की ताली होती है और यहाँ भगवान श्री जटाशंकर जी शीर्ष रूप में जटा के रूप में शरीर प्रकट है, जिसके जटाओं में चंद्र का वास रहता है और अमावस की रात को चंद्र दर्शन में होता है। इसे विशेष फलदायी भी माना जाता है। वहीं यहाँ का पानी भी औषधीय गुणों से युक्त है। तो ये तमाम कथाएँ हैं। इसके अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी लोक न्यास द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए थे। हालांकि कुछ देर के लिए जाम की स्थिति भी बनी थी, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और उनका आनंद निकल जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।